दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर की जो परीक्षा फॉरम है वो यहाँ पे शुरू हो गए हैं। उसकी लास्ट डेट है वो यहाँ पे 7 जुलाई है, तो आज हो चुकी है 3 जुलाई। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपनी परीक्षा फॉरम आप कैसे भर सकते हैं घर बैठे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ई मित्र से भरवाएं तो आप ई मित्र से भरवा सकते हो और आप घर बैठे भी भर सकते हो। तो कैसे भर सकते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे दोस्तों, फॉर्म को आपको भरने के लिए सबसे पहले आपके ब्राउजर अपने मोबाइल में खोल सकते हैं, आप लैपटॉप में खोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप में आपको फॉर्म को फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, आने के बाद में आपको सिंपली अपने ब्राउजर में टाइप करना है lujaipur.ac.in। जैसे आप इसको टाइप करते हो तो आपके सामने ऐसी वेबसाइट आ जाएगी जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर की है। यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते, कोने में देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एग्जामिनेशन पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट दूसरी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। वेबसाइट यही है लेकिन पोर्टल दूसरा है, तो जिसका नाम है ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल। दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद में आपके सामने देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला वाला है ये है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉरम, ये आपके लिए नहीं है, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ये यहाँ पे जो अक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए है। उसके बाद में ये यहाँ पे है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉरम सेकेंड ईयर सेमिस्टर और ईयर, तो सेकेंड ईयर के और सेमिस्टर जो करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे आपको टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद में आपके सामने आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, इसके अंदर जो आपकी डेट दी हुई है कि आपके फॉरम कब से शुरू हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, और लेट फीस है वो यहाँ पे 500 रुपये आपको अतिरिक्त देनी पड़ेगी, और इसकी डेट है वो यहाँ पे 11/7/2022 है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इधर आपको जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है आईडी है वो आपको आपके कॉलेज में से मिल जाएगा, वो आपको लेके आना है। और इधर इसमें देखिए कोर्स आपका एलएलबी सेकेंड ईयर, तो इसमें आपको सबसे पहले आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं इसमें। तो चलिए, मैं आपके सामने यहाँ पे मेरे पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आपको भी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा करना है। अब यहाँ पे देखिए, आप ऑटोमेटिक आप यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड ईयर, आप सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको नहीं दिखा रहा हूँ, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा करना अलाउ नहीं है, ठीक है, और परमिशन भी नहीं है कि उनकी मैं जानकारी आपको दिखाऊँ। तो आपके सामने आपका फॉरम है वो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले है वो यहाँ पे रिवल पेपर, उसके बाद में यहाँ पे पेमेंट, उसके बाद में फिनिश। आपको फॉरम जो आपका फॉरम उसको भरना है, इसके बाद पेमेंट करना है, उसके बाद में आपका फॉरम फिनिश हो जाएगा और आप इसका प्रिंट लेके अपने कॉलेज में जमा करा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऊपरी ऊपर फॉरम नंबर देखने को मिलेगा, उसके बाद में आपके कॉलेज का नाम और आपकी क्लास कौन सी है, उसके बाद में आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका लिंक, उसके बाद आपकी कैटेगरी, आपका आधार नंबर, आपका मीडियम कौन सा, आपके माता पिता का नाम और आपकी श्रेणी, और आप दिव्यांग है कि नहीं है वो इसमें दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे जो भी पेपर 9th पेपर वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। आपको कोई भी ऐसा नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये पेपर मेरे को सिलेक्ट करना है, आपके सामने जो भी पेपर है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों को क्या होता है कि ड्यू पेपर, जैसे बैक हुआ पेपर ड्यू, वो भी यहाँ पे आता है, तो उनमें से आपके जो पेपर ड्यू होंगे वो ऑटोमेटिकली उन पे क्लिक हो जाएगा, आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और बाकी आपके जो पेपर है सेकेंड ईयर में वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप जिस विश्वविद्यालय से पहले करते थे, जो स्टूडेंट हैं जो अभी नए हैं और पता नहीं फिर से LLB कर रहे हैं, छोड़ दी बीच में तो अभी डॉक्टर भीमराव से कर रहे हैं, तो क्या होता था, यहाँ पे देखिए मेडिसिन जो ये, सॉरी यहाँ पे ये मध्यस्थ है, ये यहाँ पे थर्ड ईयर का पेपर है,
उसके बाद में यहाँ पे पेपर अलग से है, ये टेक्स्ट का ये अलग पेपर है, बाकी सेम पेपर है, कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए आपके सामने 1780 रुपये ऑनलाइन आपका पेमेंट आ गया। अब यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, और आपके पास में मास्टर कार्ड या फिर आप नेट बैंकिंग के जरिए कैसे भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आपके सामने हार्ड कॉपी आ जाएगी, उसको आप प्रिंट लेके और इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे इमितर से आप कहीं से भी इसको निकला सकते हैं। निकलाने बाद में यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, बस उसके बाद में अपनी हार्ड कॉपी लेके आप अपनी कॉलेज में जमा करवा दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म और आपकी मार्कशीट फर्स्ट ईयर की, उसके बाद में आपका जो रिसिप्ट है उसको लेके जाना है, और साथ में कोई भी एनी डॉक्यूमेंट आपके आईडी आधार कार्ड के साथ में अटैच करके और आपको कॉलेज में जमा करवाना है। और ये जो आपका फॉर्म भरने के बाद में आपको या 2 या 3 दिन में जमा करवाना होता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफिस में 23/7/2022 तक इसको सबमिट करवानी है, ठीक है। तो आपको कॉलेज में जल्द से जल्द जमा करवा देना है। तो आप इस तरीके से है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं, सेकेंड ईयर का चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड कोई भी हो वो ऐसे फॉर्म भर सकता है। मैंने आपको बता दिया कि जो पहले वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं फर्स्ट ईयर वाले उनके लिए, उसके बाद अक्स का, उसके बाद में सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पे अलग अलग पोर्टल बना दिए गए हैं और आप इस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताना, कमेंट करके इस वीडियो को लाइक करना, कोई इश्यू आ रहा है वो भी हमें कमेंट करना। आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे अशोक जंगेट LLB के नाम से, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम नोट्स वगैरह यहाँ पे डालते रहते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।